हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विस्की द बनी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो गाइस, आज हम बताएंगे कि आफ्टर डिलीवरी बेबी बनी को फीडिंग कैसे कराएं। एक्चुअली गाइस, आफ्टर डिलीवरी मम्मी बनी थोड़ा हेजिटेट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा डरती है फीड कराने में। बेबी बनी को बहुत दिक्कत करती है, वो नहीं फीड करा पाती है। तो गाइस, ऐसी सिचुएशन में बहुत धैर्य से आप काम लें। मम्मी बनी को जब लेके आए, उसे डायरेक्ट बेबी बनी के पास ना छोड़े, उसे थोड़ा सहलाएं, वो थोड़ा प्यार दें और उसे एहसास कराएं कि सब ठीक है, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तब तक उसे सहलाते रहें जब तक वो रिलैक्स ना हो जाए। तो इस तरह से मम्मी बनी रिलैक्स होने के बाद बेबी बनी को फीड करा ही देती है। तो देखिए, आज ही हम प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाले हैं। अभी आप महसूस कर रहे होंगे मम्मी बनी ये जो हमारे साथ है रंगीली, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम डरी हुई है। जब इन्हें फीडिंग के लिए पकड़ते हैं, वैसे तो सारा दिन घूमती रहती है, लेकिन जब इन्हें फीडिंग के लिए पकड़ते हैं तो ये डर जाती हैं। और ऐसी सिचुएशन में डे वन टू डे फोर तक बच्चों को स्किन पे फर भी नहीं आती है, तो वो उनसे भी थोड़ा डरती हैं और फीडिंग कराने में थोड़ा दिक्कत करती हैं। लेकिन इस चीज़ से आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। आप मम्मी बनी को पकड़िए और उसे सहलाइए प्यार से, सर पे हाथ फेरते हुए जैसे इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। और आप उसके सामने खाना भी रख सकते हैं, अगर उसे हल्की भी भूख हो तो वो खा सकती है। हमने तो रंगीली को खाना पहले खिला दिया था ताकि वो अच्छे से फीड करा पाए, फीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, दूध भी अच्छे से आ जाए। देखिए, अब बेबी बनी को मम्मी बनी के पास इस तरह धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि बेबी बनी जो होता है वो मम्मी बनी के पास आने के बाद अपने आप ही ट्राई करता है और फीड कर लेता है। देखिए, आप देख सकते हैं वो कैसे ढूंढ ढूंढ के खुद से फीड कर रहा है। बेबी बनी चाहे एक दिन का हो चाहे कितना भी बड़ा हो, वो मम्मी बनी के पास जाकर इसी तरह फीड कर लेता है। तो हमें बेबी के साथ तो कुछ नहीं करना है, बस मम्मी बनी को थोड़ा पकड़ के इस तरह से रिलैक्स करते हुए। देखिए, अभी भी वो डर रही है, कितनी देर से हम लोगों ने इसको बिठाया हुआ है और सहला रहे हैं प्यार से, वो अभी भी डर रही है। तो वो ऐसे ही करती है, थोड़ा परेशान होती है। ये गाइस, हम इसलिए प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने भी कई वीडियो में देखा है बच्चों बेबी बनी को जब फीड कराते हैं तो वो नहीं कर पाती। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग, वो मम्मी बनी को पकड़ते हैं टाइट से, उसके ईयर्स खींचते हैं और उसे थोड़ा टॉर्चर करते हैं या उल्टी सीधी करके उसकी पोजीशन बिगाड़ के तब फीड कराते हैं। तो इस तरह से दूध नहीं निकलता है, बेबी बनी का पेट भी नहीं भरता है और परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से हम फीड कराएंगे, उसे नॉर्मली बिठा के और सहलाते रहेंगे प्यार से, तो वो आराम से बच्चे को दूध पिलाती रहेगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, थोड़ी ही देर में बच्चे का पेट भी भर जाता है। तो इस तरह से देखिए, वो बहुत कोशिश कर रहा है, उसकी मम्मी झटपटा रही है अंदर से उधर, लेकिन फिर भी वो फीड कर रहा है। देखिए, खुद से पकड़ के। हमने इस वीडियो में कहीं भी बेबी बनी को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, देखिए अभी तक, और वो खुद से पकड़ के फीडिंग कर रहा है। बीच बीच में चेक करते रहे अगर वो हिलना बंद कर दे कि कहीं सो तो नहीं गया है बेबी बनी, लेकिन वो जब तक उसके पेट में दूध नहीं जाएगा और वो अपने आप को भरा भरा महसूस नहीं करेगा तब तक वो सोएगा भी नहीं। और देखिए, आप लेग मूवमेंट देख सकते हैं बेबी बनी की, वो इसी तरह लेग मूवमेंट करता है जब वो फीड कर रहा होता है। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं रंगीले को खाना खिलाने की, क्योंकि वो अगर खाना खाएगी इसी बहाने मुंह चलाएगी तो वो रिलैक्स हो जाएगी और दूध भी अच्छे से उतरेगा।
लेकिन यहाँ रंगोली का पेट भरा हुआ है। मैंने ये फीडिंग कराने से पहले मैं खाना खिला देती हूँ उसे, ताकि अच्छे से दूध आ जाए, इसलिए वो बिल्कुल भी अब खाना नहीं खा रही है। हमसे बैठी है रिलैक्स होके, देखिए वो कितना रिलैक्स हो गई है। बेबी बनी भी अंदर कैसे रिलैक्स होकर दूध पी रहा है, देखिए उसकी लैग मूवमेंट से आप पहचान सकते हैं कि वो अच्छे से फीडिंग कर रहा है। ये दूध पीते पीते थोड़ा थोड़ा ना बीच बीच में ब्रेक भी लेते हैं, तो इस चीज़ से फेड अप मत होइएगा, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ब्रीथ लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, फिर धीरे धीरे दूध पीते हैं। डायरेक्ट नहीं पीते हैं कि एक बार मुंह से लगा और फिर पेट भर के बाहर निकले। वो थोड़ा 10-15 दिन के जब बेबी बने हो जाते हैं तब ये होता है इनका, कि एक बार मुंह से लगाया और फिर जब पेट भर जाता है तभी आते हैं। लेकिन जब ये छोटे होते हैं, ये 5 दिन का हो गया है आज, हाँ 5 दिन हो गए आज कंप्लीट, तो अभी तो ये छोटा ही है। हाँ पर ये फर आ गई है और थोड़ी थोड़ी आंखें भी खुल गई हैं बेबी की, तो आप देख सकते हैं कि कितने आराम से वो दूध पिला रही है। तो गाइस कभी भी आप अगर आपके पास हो मोनोगमी और प्रॉब्लम हो रही है दूध पिलाने में, तो बिल्कुल भी ना घबराएं और इसी तरह थोड़ा रिलैक्स होकर मम्मा बनी को दूध बिठाएं और प्यार से सहलाएं, तो वो इजीली फील करा देती है। देखिए देखिए कैसे कैसे, ओ यहाँ पे ऐसे पैर रख दिया था उसने, लेकिन इस चीज़ से घबराएं नहीं, वो भी उसकी माँ है, उसको भी पता है कि यहाँ नीचे उसका बेबी है, तो वो ज़्यादा वजन नहीं देगी, वो गलती से हो जाता है, तो इस चीज़ से बिल्कुल भी ना घबराएं। वो धीरे धीरे अपने बेबी को पूरा प्यार से दूध पिला ही देगी। तो इस तरह से गाइस आप इस तरह से लेटा के भी दूध पिला सकते हैं आराम से, रिलैक्स। जितना बेबी मामा बनी होगी उतना ही अच्छे से दूध उतरेगा। अगर वो थोड़ा भी झटपटाई या नर्वस हुई या खींचतानी की उसके साथ, तो फिर वो क्या होता है, वो डर की वजह से ना दूध नहीं उतर पाता है, तो वो फिर कैसे करा पाएगी। यही बात है, आप थोड़ा रिलैक्स होकर, थोड़ा बिल्कुल रिलैक्स होकर आप भी बैठ जाए और मम्मा बनी को बस प्यार देते रहें, सहलाते रहें प्यार से, तो वो इजीली फीड करा देती है। देखिए बेबी बनी कितना कितना शैतान है, देखिए ये हर हर निप्पल से चेक कर रहा है कहीं इसमें तो नहीं रह गया, उससे तो नहीं रह गया अच्छे से फीड कर रहा है, ये अच्छी बात है। देखिए अम्मा बेटों की बातें हो रही है, तो ये चीज़ें बड़ा ही मज़ा आता है ये सब चीज़ें देख के। हम लोग को 1 साल हो गया है बनी तब से रखे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन गाइस अगर आपके घर में भी बनी है तो फीमेल बनी को मेल बनी से अलग करके रखिए, क्योंकि अगर ये साथ में ही रहते हैं तो जल्दी जल्दी मेटिंग कर लेते हैं, उसकी वजह से डिलीवरी भी जल्दी हो जाती है, महीने में डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है गाइस, जो फीमेल बनी है उसकी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन में वो मर भी सकती है अगर उसे 4-5 महीने तक कंटिन्यू डिलीवरी कराई। तो गाइस ध्यान रखें इस चीज़ का, अगर आपके पास कपल बनी है तो फीमेल बनी को मेल बनी से अलग करके रखिए, और मेटिंग मेरे हिसाब से तो मेटिंग 5 से 6 महीने के बाद ही कराएं, ताकि हेल्दी बच्चे पैदा हो और मम्मा बनी की हेल्थ को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और बनी को खाने में ऐसा क्या दें जिससे उनके जो बाथरूम में स्मेल ना आए और वो अच्छे से हेल्दी रहे, और आप इजीली प्रोवाइड भी करा सकें, तो इस चीज़ पे मैं वीडियो अगली नेक्स्ट ज़रूर बनाऊंगी और उसी में बताएंगे। चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, आपने देखा किस तरह से हमने रिलैक्स करा के मम्मा बनी को बेबी को दूध पिलाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको अगर लगता हो कि किसी के पास बेबी बनी है, मम्मा बनी है, कोई बनी पेट बनी है किसी के पास और ये वीडियो उनको शेयर की जा सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।